हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। मैं आपका अपना एम के सर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, 19th को कॉम्बैट आ रहा है और इस बार कॉम्बैट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और कॉम्बैट को बड़ा टू द पॉइंट, रेलेवेंट और साथ ही साथ एक बेस्ट फ्लेवर देने की कोशिश की गई है। जेई मेन्स और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रेशनेस दिखेगा इस वीडियो को लाने के लिए। बेसिकली मैं अगर आपको बोलूं ये वीडियो क्यों आ रहा है आपके पास, आप बोलोगे कि कॉम्बैट की तो बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताएंगे जो आपको नहीं पता है। जी हाँ, गेस करो आज हमारे साथ कौन आने वाले हैं। आज हमारे साथ नितिन सचिन सर आने वाले हैं। आप सर को बहुत बढ़िया से जानते हो और सर को पढ़ाते हुए आपने देखा है और आप जानते भी हो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन है। लास्ट ईयर हमने बहुत ही बढ़िया एडवांस में रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो हमारे कॉमन स्टूडेंट्स थे और आप जानते हो सर के बारे में। जहाँ तक मैं सर को जानता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर अनअकैडमी पे हम बात कर लें जेई एडवांस की और ओलम्पियाड्स के लिए, तो सर बच्चों की फर्स्ट चॉइस होते हैं। और इसी को देखते हुए इस बार जो कॉम्बैट का पैनल है, जो मेगा कॉम्बैट को बना रहा है, उसमें सर खुद हैं। सर ने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। आपको हम बताएंगे आज के इस छोटी सी वीडियो में कि क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से आपको कॉम्बैट के लिए इन 2 to 3 days में एक बार फाइनल टच देना चाहिए और आपको किस तरीके से सिलेबस देखना चाहिए और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और साथ ही साथ क्या ये बड़े कैलकुलेटिव हैं या बहुत टाइम लगेगा इसमें या शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत तरह के डाउट्स जो आपके कमेंट सेक्शंस में आते हैं कि सर कॉम्बैट के बारे में कुछ बताओ, फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस बार वो चीज़ दूर हो जाएगी। हम आपको रास्ता बता देंगे। अब आप कितना समझ पाते हो और कितना कर पाते हो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं नितिन सचन सर का। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार कॉम्बैट में क्या अलग दिखने जा रहा है बच्चों को फिजिक्स सेक्शन में और सिलेबस क्या रहेगा? हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बच्चों सर ने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग इस बार मेगा कॉम्बैट को साथ में बना रहे हैं, तो फॉर्मेट भी इस बार का नया है और फर्स्ट टाइम हम लोग मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट जो सेगमेंट होता है जे एडवांस का, एंड माना जाता है कि सबसे टफेस्ट माना जाता है, लो स्कोरिंग रहता है ज्यादातर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उसमें पूरा पूरा स्कोर करने में थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं, उनसे हो नहीं पाता, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ इस तरह के पेपर और कुछ इस तरह के नए क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को हेल्प कर सके। देखिए, कॉम्बैट में कहीं ना कहीं एक टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, लेकिन वो कंस्ट्रेंट हम लोग जानबूझ के रखते हैं, क्योंकि जब आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन जल्दी ही करने की कोशिश करनी है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बार बार इस टाइप के ग्रिलिंग से होके जाते हो तो आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं स्पीड धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा होता है। तो इस बार के कॉम्बैट में मैं अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, केमिस्ट्री के बारे में सर बताएंगे, तो फिजिक्स में जैसे 11th का है, 12th का है, 12th पास का है, तीनों सेगमेंट में ही मैंने डिजाइन किए हैं और आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम नए मिलेंगे, नए तरीके से मॉडिफाई किए गए हैं, उनको मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट फॉर्म में लेके आया गया है। तो लेकिन एक चीज जो अच्छी है, क्वेश्चंस अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बहुत आसान नहीं होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसमें बच्चों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए उसमें हमने पार्शियल मार्किंग का भी हिसाब रखा है। तो आप जितना पार्ट कर पाएंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं इन द एंड इन इस टाइप के एग्जाम में आपकी रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है, ना कि एब्सोल्यूट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप बाकी अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कहाँ खड़े होते हैं वो मैटर करता है, तो टोटल वाइज कोई फर्क नहीं है। तो मैं अब वापस सर के पास आपको ले चलता हूँ। एमके सर, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये तो बच्चे समझ गए होंगे कि पेपर का क्या फॉर्मेट है और किस लेवल की सारी चीज़ें हैं। सर, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ 11th, 12th और 13th के सिलेबस पे, बेसिकली क्या फोकस रखा गया इस बार पेपर में फिजिक्स में? ठीक है सर। तो जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं तो फिजिक्स जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़े से अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में जरूर इंट्रोड्यूस किए हैं जिनके लिए थोड़ा सा हटके सोचने की जरूरत है। अगर आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो वो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आप अगर उसमें एक ट्रेडिशनल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स में
दिक्कत भी आने वाली है थोड़ी सी, अगर आप नॉर्मल तरीके से आपने उस टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो क्वेश्चंस चैलेंजिंग लगे, लेकिन अगर आप ठीक डायरेक्शन से सोच रहे हैं तो आई थिंक कॉम्बैट आपके लिए आसान होगा और आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस बार के कॉम्बैट को। मतलब मैंने काफी मन से पेपर बनाए हैं और जब जब मैंने मन से बनाए बहुत हैं तो बढ़िया। बच्चों ने काफी उसको अप्रिशिएट किया, उसको लाइक किया। इससे पहले भी 6-7 बार मुझे मौका मिला है कॉम्बैट पेपर्स बनाने का। तो सर आप जी। हाँ तो सर, इसमें बच्चों की जनरली एक क्वेरी रहती है जिसको हम रिप्लाई भी कम कर पाते हैं। बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर, कॉम्बैट में बहुत बढ़िया रैंक तो मेरी नहीं आई है, लेकिन कॉम्बैट में फिजिक्स में मैंने इतने परसेंट क्वेश्चन सही किए हैं। तो आपने चूंकि क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, आप डिफ़िकल्टी लेवल को भी समझते हैं और जो जेई की जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसके डिफ़िकल्टी लेवल को भी समझते हैं, रेलिवेंसी को भी जी आप समझते हो, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन भी जी आपने देखे हैं, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कितना स्कोर किया है तो वो खुद को सेफ समझ सकते हैं कि कॉम्बैट छोड़ो, मतलब जो मेरी प्रिपरेशन है वो एक थ्रेशोल्ड तक टच हो गई है। तो कितने तो परसेंट क्वेश्चंस आपके हिसाब से एक एक अच्छे बच्चे को नॉर्मली करने सर, चाहिए? जैसे कि जब भी मेरे पास पेपर मेकिंग आती है तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं जेई एडवांस को ध्यान में रख के चीजों को करता हूं। और जैसे कि हम सब बिल्कुल जानते हैं, जेई एडवांस जो है अपने आप में एक बहुत ही लो स्कोरिंग एग्जाम रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 35 से 40% मार्क्स पे जो है एक कट ऑफ क्लियर हो जाता है और 50% मार्क्स पे तो एक अच्छी रैंक आ जाती है। तो यहाँ पे भी मेरा सजेशन बच्चों को यही रहेगा कि आप टोटल 80-90% मार्क्स एक्सपेक्ट ना करके, लेकिन अगर फिजिक्स जैसे पेपर में आप 50-60% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो मतलब इस पेपर में आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार लेवल की है, अगर आप उस जगह के आसपास आप पहुंच पा रहे हो। तो ये है सर मेरा ओके ओवरऑल व्यू। जो बच्चे 50 से 60% अगर इसमें स्कोर कर पा रहे हैं मतलब बहुत ही शानदार उनकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा बेसिकली सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने आधे क्वेश्चंस भी अगर सही किए हैं तो जिस लेवल से सर ने अपने एक्सपीरियंस से इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। हालांकि कॉम्बैट में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 70-80% भी करने की कोशिश करेंगे, होंगे, हर बार ऐसे होते हैं कॉम्बैट में, लेकिन आप उनको ना देखें। अगर आपने 50%, 60%, 70% भी किया है तो वो एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैथमेटिक्स है। आप कोशिश करें हर किसी सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देने का। और जैसा कि केमिस्ट्री का है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, केमिस्ट्री में आपने इससे पहले भी कई मेगा कॉम्बैट देखे हैं और आपको पता है केमिस्ट्री का कॉम्बैट जब से फर्स्ट कॉम्बैट को मैंने डिज़ाइन किया था, कॉम्बैट का कॉन्सेप्ट में मैंने दिया था, और कॉम्बैट की जो भी पेपर आप मेगा कॉम्बैट का देखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो जो इस बार जो आपको केमिस्ट्री में जो चीज़ मिलती थी और आप जो बोला करते थे कि सर वही चीज़ फिजिक्स में भी मिलनी चाहिए, वही चीज़ मैथ में भी मिलनी चाहिए, वो इस बार होने जा रहा है। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो दिस कॉम्बैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट दैट वी हैव डिज़ाइंड एवर। तो मज़ा आएगा आपको। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके तीनों पार्ट मैंने बनाए हैं और तीनों में बहुत अच्छे से बैलेंस रखा गया है, एक संतुलित पेपर हम बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पे जो मैकेनिज्म है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, पर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको थोड़ा हट के सोचना होगा। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जो थोड़े हटके हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखते साथ 2 से 3 सेकंड में तैयार हो गए कि लंबे कैलकुलेशंस करने लगे तो दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा हट के सोचने की ज़रूरत होगी। और अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूँ तो अगर आप 50-60% अगर कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं एडवांस में भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर आप एकदम फाउंडेशन NCERT से स्टार्ट करते हुए अगर 20 ईयर्स के PYQ भी अगर JEE के IIT JEE और JEE एडवांस के देखे होंगे, या IIT रुड़की के आर्काइव्स आपने 2000 से लेकर 2003 तक के बीच के बनाए होंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल बहुत बढ़िया कॉम्बैट रहेगा।
और जैसा कि आपको पता है कि इस कॉम्बैट में बहुत तरह के आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। इस बार आपको गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ये सारे मेडल मिलने वाले हैं। आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलने वाले हैं और बहुत सारे लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत तरह के वाउचर्स और गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आईपैड और फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें। पर जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कॉम्बैट इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि ये गिफ्ट्स हैं, कॉम्बैट इसलिए आप दीजिए ताकि आप अपने आप को चेक कर पाएँ। तो लास्ट में मैं एक बार फाइनली नितिन सर से जानना चाहूँगा, फाइनल टिप्स क्या रहेगा सर फिजिक्स के लिए? चलिए सर, मैं थोड़ा सा मतलब बच्चों को इस डायरेक्शन में बताना भी चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जो आपके और हमारे कॉमन हैं, वो मेरे चैनल का भी पार्ट हैं, जो मतलब जहाँ पे मैं बहुत ही एग्जॉटिक टाइप की प्रॉब्लम्स डालता हूँ, जो ये एडवांस से रिलेटेड, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहते हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैंने उस चैनल से भी उठाई हैं। आई वोंट टेल कि डायरेक्टली क्या है, लेकिन उन ट्रिक्स का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जो बच्चे एडवांटेज लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, एंड इट्स इन पब्लिक डोमेन। तो अगर आप 2 दिन चाहो कुछ करना तो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन टू द पॉइंट अगर आप सोचने में फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली इस कॉम्बैट में बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे मतलब चालू हो जाएंगे करने में तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, कलम चलेगी नहीं, मेरा ऐसा मानना है ना। इसमें कैलकुलेशंस भी होंगी, दिमाग भी लगाना होगा और हर तरह की चीजें रहेंगी। और ओवरऑल बच्चों, जो मेरा मतलब आकलन है, आप इसको बहुत पसंद करने वाले हो। जैसे कि मैं काशिफ सर के बिल्कुल बारे में जानता हूँ, बच्चे उनका बहुत मतलब अच्छे से बताते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग में कुछ कॉमन चीजें भी हैं। हम दोनों लोग कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा जी, फोकस करते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है इस बार के कॉम्बैट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि जो कॉम्बैट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और 19 तारीख को ये होने वाला है 11 बजे सुबह में। आप जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और इनरोल कर लीजिए, और बिल्कुल लेट ना करें। अब आप कॉम्बैट को फ़ोन पे भी दे सकते हैं और वेब पे भी दे सकते हैं, और जैसा कि हमने बोला है कि 50-60% कोशिश करें सही करने का। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कॉम्बैट के, उनके सॉल्यूशंस तो आपको सबके मिलते हैं, फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो जब आपके पास आ रही होगी और जब आप कॉम्बैट दे चुके होंगे, तो आप कमेंट में आके एक बार हमें बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चंस का बिहाइंड द कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना दो, तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। और फिजिक्स के भी अगर ऐसे कोई डाउट हैं तो आप वो कमेंट कर देना, सर सर देखेंगे कमेंट और सर तक भी ये बात जाएगी, और सर अपने नेटवर्क पर भी उस क्वेश्चन के बिहाइंड द कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल सर। और बिल्कुल एक चीज ठीक है। और है इन बच्चों से तो मैं कहना चाहूंगा हाँ कि हाँ आप अपने जो दोस्त हैं, जो भी आपके सर्कल में लोग हैं अच्छे पढ़ने वाले, कम अच्छे पढ़ने वाले, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि कॉम्बैट को आके लिखें, उनके लिए एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बच्चों मिलते हैं फिर, है ना? और लिंक नीचे मैं फिर से बोलूंगा, पिन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, फटाफट जाओ जाके इनरोल कर लो और अलार्म लगा लो बिल्कुल 11 बजे सुबह में, और 19 तारीख को ये मेगा कॉम्बैट होने वाला है। मल्टीपल करेक्ट होने वाले क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस आपको टेस्ट में दिख जाएंगे, और मैं बोलूंगा कि इस बार वेब पे और फोन पे दोनों पे आपको मिलेगा अच्छे अच्छे अवार्ड रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारे अमेजिंग इस बार आपको चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय एवरीवन।